कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 20 फरवरी को समवेत सदन में दिए गए भाषण पर मुझे इस सदन में माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन के सामने रखा। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन कार्यक्रमों के साथ ही हम संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा बक्सा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहां पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है माननीय हमारे नेता विरोधी दल को? चोरों के जो हैं हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी। और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे, मैं आ रहा हूं, आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा। और मैं तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन
सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो, देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। वह दृश्य भी हम सब ने देखा जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था, लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे, महोदय वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं, यानी यह सिंहानंद गुरु किसके हैं, यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार की बात करते हैं जी, आप कुछ भी बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर महोदय अक्सर जब हम लोग कई भाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर होता है। ये संसदीय परंपराएं यही हैं, और यही नहीं होता है, संसद के समवेत सदन को जब महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं तो वह भी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का चित्रण भी करती है। अभिभाषण ही दिग्दर्शन होता है शासन की उपलब्धियों का और भावी योजनाओं का, लेकिन आपको सहमति और असहमति के लिए सदन में चर्चा होती है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला हो, और कई कई बार जनता ने अवसर दिया। अगर आज अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। और महोदय मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ
कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर एक पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर एक स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो, हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं नहीं उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर, आश्चर्य होता है। यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो अभी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है, ये सब बुरा लगता है उन्हें। और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती है, तमाम प्रकार की बातें शुरू होती है। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है कि किसी ना किसी सरकार ने भी कुछ न्यू रखने में कुछ तो योगदान किया होगा पिछली सरकारों ने भी, तो उसी के साथ अपना नाम भी जोड़ देना, तो देखो हमने भी किया। जैसे हर चीज के लिए बोलते हैं वो तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, लेकिन चलो जोड़ दो भाई, बोल दो उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक पर है, तो हमने भी योगदान देने का प्रयास किया था, या हमने भी किया था, उस समय हम डाटा नहीं फीट कर पाए और भी नहीं कर पाए, हमें बोल देने की, बोल दें ना, बोले कम से कम ये तो ना बोले नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, आप तो अन्नदाता किसानों को परेशान और आपका अपमान कर रहे हैं। यूपी के नौजवानों के बारे में हम कहते हैं यूपी में सबसे अच्छा युवा है, स्किल मैन पावर हमारे पास है, नहीं 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 ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सब विश्वविद्यालय खराब हैं। अब ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला, लेकिन स्वीकार करने का कि हिम्मत नहीं है और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है, महोदय ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर एक पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर एक पर है, और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। महोदय गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000
परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोगों लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर एक पर, एक्सप्रेसवे में नंबर एक पर, प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर एक, अटल पेंशन योजना नंबर एक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर एक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96 लाख यूनिट यूपी के अंदर हैं, जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसमें नंबर एक। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर एक राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर एक। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, देश के अंदर नंबर एक। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहल नंबर एक का राज्य, और महोदय ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर एक का राज्य। दुग्ध उत्पादन में नंबर एक राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, 8,51,00,000 खाता धारक है, यानी 8,51,00,000 ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर, जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय ऐसे 50,37,000 से अधिक घरोनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे? क्या उत्तर प्रदेश का वासी था? हर जाति, हर मत, हर मजहब का यही तो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए, यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम क्या, हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती,
आ रहो, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं मैं उस पे भी आ रहे हैं। महोदय, सेक्रेटरी परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ आ रहे हैं, आप चिंता मत कर, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, आप देखिए एक विडंबना देखिए, आप उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लगकर के काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं, ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं, यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे,
कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए, फ्लोर में फ्लोर ऑफ हाउस के सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो बात हो, पेपर नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो पूरी सदन की जानकारी में आ जाए। महोदय अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है, सेलेक्ट और उनकी सूची मुख्यमंत्री जारी कर, बोला तो उसका है। समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था, कौन सा ऐसा आयोग था, अधीन सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय क्या होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, उसी में लेखपाल दिन सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय उस समय की जो स्थिति थी, उस समय तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर के इस बात पर, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं, मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट, दिल्ली में और मुंबई में, तो पूछा जाता था भाई वहां क्यों कर रहे हैं, कहा साहब यूपी में कौन आएगा। तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वो निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे। और इसलिए महोदय दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी, उन्होंने कहा था मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई, यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं, बस अवसर मिले तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो इन्होंने किया है, यहां पे यूपी के अंदर तो यही सब कर रहे थे। महोदय अभी आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं, आएंगे, चिंता मत करिए महोदय, आ रहे हैं। सुन ले, देखे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर से बोलेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है, अरे शांति रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने की जस्ट आपका समय है, जब बोलेंगे। महोदय क्या विचित्र सी स्थिति है,
क्या विचित्र सी स्थिति है, कैसे लोग भरमाने का काम करते हैं, कैसा भरमाने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं हर गरीब तक, हर दलित तक, हर पिछड़े तक, हर वंचित तक शासन की योजनाओं का लाभ जाए। मैं हूं, मेरे कैबिनेट के तमाम मेरे साथी हैं, हमारे सहयोगी दलों के हमारे यहां पे नेता हैं, सभी मान्य हमारे मान्य जनप्रतिनिधि हैं। पीएम आवास योजना 52,77,000 गरीबों को मिला है। हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। उत्तर प्रदेश का ही गरीब है। ये सूची कब की बनी है? 2011-12 की। और उस सूची के अनुसार ये आवास मिल रहे हैं। उस सब के बावजूद जो गरीब बचे हुए हैं, जो सूची से वंचित हुए थे, जिन लोगों की समय सरकार थी, उन लोगों ने जो भेदभाव किया था, उनके लिए हमने सीएम आवास योजना चलाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुसहर, बनटांगिया, कोल, सहरिया, थारू, चेरो, और इस बार हम बुक्सा को भी उसमें जोड़ रहे हैं, बिजनौर में। संभवतः हमारे नेता विरोधी दल को सब जातियों के नाम पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एक ही जाति का नाम याद है, सब इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है यूपी के अंदर। महोदय वंचित थे लोग। मार्च 2017 में मैंने यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और जनवरी में और दिसंबर में मैं यहां पर प्रदेश के अंदर दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान भी मैं उन गरीबों के बीच जाता था जो गरीब खाद्यान्न से वंचित किए गए थे। कुशीनगर जिला उसका एक उदाहरण है, सोनभद्र जिला है, चित्रकूट है, भूख से मौतें होती थी। और मैं कह सकता हूं आज, महोदय आज मैं कह सकता हूं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। हर महामारी के साथ एक दूसरी महामारी साथ में चलती थी, कि महामारी अगर ठीक भी हो जाती थी तो भूख से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। पहली बार हुआ है, हमने देश के अंदर दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम इस महामारी के अंदर तो दिया ही, मृत्यु दर सबसे कम। लेकिन मैं कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पहले भूख से मौतें होती थी, 17 के पहले भूख से मौत होती थी, यह सच्चाई थी। लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि पता ही नहीं उनको। बनटांगिया कौन है इनको पता ही नहीं होगा, मुसहर कौन है इनको पता ही नहीं होगा, बुक्सा कौन है इनको पता ही नहीं होगा। और महोदय इसीलिए ये लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, याद करिए, जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, हम सब उस अभियान के साथ जुड़े थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमामंडन कर रही थी। यानी इनको पता ही नहीं। एक तरफ 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, केवड़िया जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है, और हर एक जनपद में कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। यह तो इनकी स्थिति है। इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला उसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है, लेकिन बुद्धि देना कठिन है, बहुत कठिन है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। और महोदय
यहां पे इसके अलावा यहां पर एक नई चर्चा, परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में, कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे हैं। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है, मैं तो अकेले ही जाऊंगा महोदय। हां मॉल में भी जाते, नहीं नहीं बॉल बॉल नहीं, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका एक, मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था, मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को ले तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए, अभी याद करिए हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया यादव है लड़का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का, हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे, हमने डिप्टी एसपी बनाया है, सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य, महोदय मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है, 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं, नो बॉल तो छक्के से हाथ जोड़ देंगे। और तब महोदय तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी, शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं भाई, वो बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं, उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बोले राम सकोप तब। इधर के भय से ही सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ ये है 16 फरवरी 2014 और उस समय उन्होंने कहा था हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए, मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं, हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है
आपको खेलने का वक्त मिल जाता है, आप समझ सकते हैं। खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय, ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे, बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे, खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं। महोदय, इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक। महोदय, एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है, 97,000 करोड़। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है, और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल, और महोदय, खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, ये भी तो खेल हो रहा था। और भी तमाम चल रहे हैं, बुंदेलखंड की क्राइसिस सबसे, भूमाफिया अलग थे, चल रहे हैं, उसमें भी आऊंगा अभी। तमाम एक खेल एक और चल रहा था, आतंकियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का खेल भी चल रहा था। ये सभी खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चलते थे। महोदय, ये खेल कहां तक लेके जाएंगे लोग। और तो मुझे कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कुछ कुछ नहीं खेलना है। देखो, मैं एक सामान्य व्यक्ति, और हरेक के साथ बहुत सद्भावना के साथ पेश आता हूं, सम्मानजनक व्यवहार करता हूं, सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं, लेकिन मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार छले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे, आप चिंता मत करिए, देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलता? मैं आज जैसे आपसे मिलता हूं वैसे मैं उनसे भी मिलता हूं, और क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। नहीं नहीं, उनकी सिक्योरिटी भी उनको दी जानी चाहिए, और सिक्योरिटी मुझे लगता है जितने जरूर आप कह रहे हैं जरूर करेंगे, आपने सिफारिश कर दी है, जरूर उनको मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। और चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। मौत है, लेकिन मैं एक बात बात जानना चाहता हूं। सार पे तो सार पे है? सार पे भी कह दीजिए, सार पे मौत है।
एक और प्रकरण जो इन्होंने इस दौरान उठाया, जब पूरी दुनिया पूरा देश यूपी के अंदर आया था, हां आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं तो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है, और मैं उनके कह सकता हूं, और बहुत सहज सहज दृश्य उनका जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें, और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप करना चाहिए। महोदय एक कुछ प्रकरण जो इन्होंने जानबूझ करके उठाए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये खास तौर पर जैसे ही ये शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, और पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण की टीम जाने लग गई रोड शो के लिए, तो उस समय समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया स्वगुफा छोड़ने का प्रयास किया, और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक सौर संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था, अकबर ने उनको भी बुलाया था, तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मनसबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से, और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की, ये तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों का की विवेचना कर ले, आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। महोदय मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस के प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैं गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से 250 वर्ष पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर के वहां गए थे, आज वे लोग राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं अलग अलग देशों में, उन्होंने समारोह किया था, भारत सरकार ने मुझे उस समय भेजा था। जब मैं गया तो उनके पास जाकर के मैंने वहां देखा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप के पास कुछ चीज है बची हुई जो आपके पूर्वज विरासत में लेके आए होंगे? उन्होंने कहा हां साहब हमारे घर में है। मैंने कहा क्या है? वो रामचरितमानस का गुटका था, रामचरितमानस था वहां पे। मैंने कहा आप पढ़ना जानते हैं? कहा नहीं पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमने जो विरासत में सीखा है वही हम
उसको याद रखते हैं। विशुद्ध भोजपुरी में अवधि में लोग बोलते हैं, और वही मैं बोलना चाहता हूं महोदय। यहां पर हमारे मान्य सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के विप हैं या ये अवधि भाषी हैं, इनके आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई, और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो? अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको रोका नहीं, कभी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। एक कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कोई मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए ये बात। एक जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये अपनी बात नहीं चाहिए मान्य महोदय। दूसरा है हमारे बुंदेलखंड से माननीय सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ हाथ खड़ा करेंगे सब बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था, और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो। देख यानी उसकी देखभाल करते रहो, इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है, रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह वो करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला है। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी जब उन्होंने कहा कि भय बिन हुई न प्रीति, और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन्हे, मर जादा पुनी तुम्हारे किन्हे, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है, तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है, कंवार का मतलब अशिक्षित से है,
शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे, घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपावा नहीं है, बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेशवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है, कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी, वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो, जब तक दुशासन है बेड़ी कैसे बध पाएगी, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लूट पाएगी। महोदय, मातृशक्ति की बात हो रही थी, नेता विरोधी दल कह रहे थे कहां पे जो है हेल्प डेस्क बना है, प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे 1584 थाने आते हैं, इन सब में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाना के साथ साथ एक अतिरिक्त महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है। महोदय,
2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13,000 थी, आज ये संख्या 32,000 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराधों में प्रभावी जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5,000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे जिला बदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। प्रदेश के अंदर महोदय अगर आप देखेंगे कि सेफ सिटी, आज प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों को, गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन और यूपी पुलिस मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन, ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन भी इस दौरान हुआ है। 1,53,728 पुलिस की भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 244 थाने, 133 चौकियां, 78 जिलों में एंटी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकियां और परामर्श केंद्रों की स्थापना भी की गई है। हर रेंज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना हुई है। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ साथ लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी सत्र में हम वहां पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अब तक 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई है। महोदय इसका परिणाम क्या है? अगर 16 के सापेक्ष हम देखेंगे, ये एनसीआरबी के ही मैं आंकड़ों को बता रहा हूं, डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, अपहरण में 43.18% और बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। ये 16 की तुलना में ये आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर महोदय जिन अन्य कार्यों को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो नवाचार हुए हैं, परंपरागत उद्यम, उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत अच्छा स्थान रखता था। इसने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह दम तोड़ रहा था, बंदी के कगार की ओर जा रहा था, तमाम अन्य मामले थे। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज महोदय हर जिले का, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने निर्यात को दोगुने करने में सफलता प्राप्त की। यहां पे माननीय सदस्य भदोही से हैं, परसों अपनी बात को कह रहे थे और उस दिन वो कह रहे थे कि साहब वहां पर जो है कारपेट के बारे में, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कारपेट वहां पे आज कई गुना ज्यादा, यानी वहां से कई ज्यादा वहां पर हम लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का कारपेट अकेले भदोही से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सुविधा भी इसी सरकार के समय दी गई है। मुरादाबाद में जो ब्रॉस का कार्य है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। फिरोजाबाद से ग्लास एक्सपोर्ट हो रहा है। अन्य हर एक जनपद से कुछ न कुछ चीजें आज प्रारंभ हुई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बने, यह आज देखने को मिल रहा है। आज लोग आकर्षित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इसी उपलब्धि को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी दिया। और मैं नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं, इसी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है। फुर्सत मिले कभी जाके थोड़ा देखिए। भारत डायनेमिक्स की यूनिट झांसी में लग रही है। कानपुर में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में निवेश बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। अलीगढ़ में पूरा हो चुका है, नई जमीन उसमें ली जा रही है। चित्रकूट में पूरा एक कॉरिडोर और झांसी के लिए भी एक पूरा नया कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम वहां के लिए दे रहे हैं। बजट में आपने देखा ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी, अगर मैं सही आंकड़े इनको देख दूं, 2017 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी के कगार पर थे। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने रुचि ली, ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक विद्यालय को गोद लिया, उस विद्यालय के रिनोवेशन के लिए, उनकी फ्लोरिंग के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, लाइब्रेरी के लिए सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज आप देख सकते हैं 1,30,000 से अधिक विद्यालय आज दर्शनीय हो गए हैं बेसिक शिक्षा परिषद। आज आप देख सकते हैं उनकी स्थिति दर्शनीय है। कुछ लोग कहते थे नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने संकट खड़ा कर दिया था पहचान का। आज उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद में 1,34,00,000 जो बच्चे थे, आज वह बढ़कर के 1,91,00,000 की संख्या पार कर चुकी है। और इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैग, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 1200 रुपये हर छात्र को डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में दे रहे हैं। पहले हमने देना भी शुरू किया, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाए तो हमने कहा लोकल ही लोग परचेज करें, अभिभावक स्वयं करें, एक पारदर्शिता भी रहेगी। सभी अभिभावकों के खाते में पैसे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आखिर ये पैसा पहले क्यों नहीं जाता था उन गरीबों के लिए? इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, इसमें तो हर एक तबका यही है, सबका साथ सबका विकास, भेदभाव किसी के साथ नहीं। उत्तर प्रदेश का ना बच्चा है, उसको भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। उसके अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। सरकार ने जाति देख करके तो वहां पे योजना नहीं दी, तो सबका साथ सबका विकास सबको दिया जा रहा है और इन योजनाओं का लाभ आज वहां दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक पर होता है, हर उत्तर प्रदेशवासी को के बारे में लोगों की धारणा बनती है उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है, गरीब कल्याण के बारे में सोच रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, आज हर एक व्यक्ति उसके बारे में देखा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमने 14 से अपनी संख्या को घटा करके 2 पे नहीं लाए होते, हमारी रैंकिंग वहां तक नहीं आई होती।
क्या स्थिति होती, क्या स्थिति होती? कोई निवेश के लिए नहीं आता, लेकिन प्रयास किए गए, प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने हैं। उच्च शिक्षा में नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कुछ अच्छे विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। अब हमारे विश्वविद्यालय ही श्रीमान, हमारे विश्वविद्यालय ही वर्ल्ड क्लास के विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं, और नए विश्वविद्यालयों के, कुछ नए विश्वविद्यालयों की घोषणा इसमें हम लोगों ने की, इस बजट में की है, उस पर भी चर्चा होगी। और कुछ पुराने विश्वविद्यालयों में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को नए रैंकिंग में ये डबल प्लस की श्रेणी प्राप्त हुई है। KGMU को और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को ये श्रेणी प्राप्त हुई है, और भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है, वह कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। चार निजी विश्वविद्यालयों को MT, शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया और GLA विश्वविद्यालय को भी ये प्लस की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की तैयारी के लिए भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस है, और महोदय इस प्रोग्रेस से लोग, इस प्रोग्रेस में सहभागी नहीं बनना चाहते, इस प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं। और उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान है, परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। महोदय हेल्थ में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश उधर जा चुका। कोई सोचता था 1947 से लेकर के 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे यूपी के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जनपदों को छोड़ दें तो सभी जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, और 16 में भी हम लोग युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ में गवर्नमेंट देगी, कुछ में PPP मोड पर हम बनाएंगे। अच्छी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए। गोरखपुर और रायबरेली एम्स आज क्रियाशील हो चुके हैं। हमारे जितने पुराने 6 मेडिकल कॉलेज बने थे, पुराने हो चुके थे, सरकारों ने पैसे लेने का कई प्रयास नहीं किया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक उन सभी में दिया, और वे सब क्रियाशील हो चुके हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, झांसी है, आगरा है, इन सभी में उन्हें भी क्रियाशील या तो किया जा चुका है, या कोरोना कालखंड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहां पर अच्छे परिणाम आए। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले स्तर पर जो हमारे जिला चिकित्सालय थे, उनकी स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो रहा है। 2017 में जब हम लोग आए थे, 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय तक 36 जिले ऐसे थे जहां पर ICU की सुविधा या वेंटिलेटर एक भी नहीं था। आज हम कह सकते हैं हर जिले में ICU की सुविधा है, मैन पावर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। जहां पर अभी भी मैन पावर का अभाव दिखता है, वहां पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ, मेडिकल टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन
इसके परिणाम भी सामने आए हैं। मिशन इंद्रधनुष में जो 7 प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारी है उनसे संबंधित जो टीकाकरण के कार्यक्रम होने हैं, अगर इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहां पर 4 अभियान 3 चरणों में चले, 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई आदि के अलग अलग अभियानों में चले हैं, जिसमें 36,82,000 बच्चों को और 10,31,000 गर्भवती माताओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया है। इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को BCG, OPP, रोटावायरस, IBP, मीजल्स एंड रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि के डोज और गर्भवती महिलाओं को टेटनेस और डिप्थीरिया का टीका लगा करके भी उन्हें प्रतिरक्षित करने का कार्य किया गया। रिजल्ट क्या है, अगर 16 की दृष्टि अगर हम देखेंगे जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, ये रिपोर्ट है, ये हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, और 2016 से 2019-20 के बीच में अगर आप देखेंगे तो मातृ मृत्यु दर 197 से घट करके अब 167 पे आई है। ये एक उपलब्धि है, यानी इतनी माताएं पहले उस दौरान मृत्यु के शिकार होती थी। शिशु मृत्यु दर जो नवजात शिशु थे 30 से घट करके इसे 28 में लाने में सफलता प्राप्त की है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट यानी जन्म से एक वर्ष की अवधि के बीच जो मृत्यु होती है ये 43 से घट करके 2020 में 38 हुआ है, और इसके अलावा संस्थागत प्रसव ये 67% से बढ़ करके आज लगभग 84% से ऊपर जा चुका है। फुल यूमनाइजेशन 51% से बढ़कर के 70% जा रहा है, और सकल प्रजनन दर 2.7 से घट करके यह 2.4 तक आया है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में, हर व्यक्ति इसके बारे में देखता है, यह उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक दृष्टि जो उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों मन में आई है, यह इस आधार पर आ रही है। लेकिन इन लोगों को इन सबसे फुर्सत नहीं थी, आखिर सत्ता में रहने का अवसर तो इन लोगों को मिला था, इन लोगों ने कभी इसकी चर्चा नहीं की होगी, कभी इसकी समीक्षा नहीं की होगी, कभी इसके बारे में इन्होंने गंभीरता से उसको लिया ही नहीं होगा, इंसेफ्लाइटिस के बारे में। यानी गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे, और ये बीमारी 40 वर्ष से अधिक समय तक वहां के बच्चों को निगल रही थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मासूम बच्चे इसकी बीमारी की चपेट में आए थे, मौत यानी कालकल्वित हुए। महोदय, इसमें 90% जो बच्चे थे वे अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे थे, अगर वे जीवित रहते तो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते। कौन लोग दोषी हैं जिनके कारण वे बच्चे और समय कालकल्वित हुए? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को खोया है पूर्वी उत्तर प्रदेश ने, और आज महोदय मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 96% मौत को कंट्रोल कर लिया है। 96% मौत को कंट्रोल किया है। आज कोई वहां पे इंसेफ्लाइटिस की बात नहीं करता है, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, आज वहां पर कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज G20 से संबंधित, उसके लिए भी हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 11 से 12 मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, जिनमें से 2 संपन्न हो चुकी हैं, आगरा और लखनऊ। मैं धन्यवाद दूंगा
आगरा और लखनऊ वासियों को, जहां पर हर एक व्यक्ति ने, हर एक वासी ने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी इवेंट के साथ जुड़ना, ये G20 दुनिया के 20वें बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के 90% पेटेंट और इनोवेशन पर जिनका अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का समूह है G20। अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यह प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है, और उससे संबंधित बैठक उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है। अच्छा होता हमारे विपक्ष के साथी भी विदेशों से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए सामने आते, कितना अच्छा संदेश जाता है, हमारी राजनीति हमारे सामने होती नहीं, हम तो आमंत्रित किए थे, हम आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण भेजते हैं, नहीं मैं तो विदेश भी भेजना चाहता हूं, सबको सबको भेजा गया, हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा है आपने बता दिया है, अगली बैठकें होंगी उसमें बुलाएंगे, अब चाचा नहीं चाचा के पूरे समूह को बुला देंगे, है? है? आसो। लेकिन देखिए चाचा को रहना अकेले ही है, अंततः रखना, अरे मैं बोल रहा हूं ना आप इधर उधर मत झांका करिए, आप जहां टांग झांक करते हैं ना वहीं पे धोखा खा जाते हैं, आपको सीधे चलना चाहिए जैसे आप पहले चलते थे, जिसके लिए आप जाने जाते थे उसी तर्ज पर आपको चलना चाहिए एकदम। और आप नहीं हमारे, मैं उस पर भी आऊंगा, चलिए उस पर भी बता देता हूं महोदय। आगरा में और लखनऊ में अतिथि देवो भव का जिस अद्भुत मिसाल को प्रस्तुत किया गया, अद्भुत था, हर डेलीगेट प्रसन्न था, अभिभूत था, एक संदेश लेके गया भारत की और उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को लेकर के, उत्तर प्रदेश और देश ने कैसे कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, उसके बारे में जो धारणाएं थी वो लोग हर व्यक्ति भूत था। हमारे पास अवसर होते हैं, लखनऊ में जो समिट हुआ था 20 G20 के देश थे, 9 मित्र देशों के भी प्रतिनिधि आए थे और 7 अन्य संगठनों के भी, अन्य देशों के संगठन के भी प्रतिनिधि आए थे, हर व्यक्ति अद्भुत था, प्रसन्न था, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने विजिट भी किया, देखा अपनी आंखों से देखा, विकास की यात्रा को देखा, बाहर का व्यक्ति कह रहा अच्छा हो रहा है, हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, उनको बोलने में भी संकोच आता है, और निवेश कुंभ के लिए ही आ गए होते, निवेश कुंभ में तो हमारे 10 पार्टनर कंट्री भी थे, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएई, यूके, मॉरिशस, ये सभी थे, 40 देशों ने सहभागिता की, निवेश कुंभ, निवेश तो प्रदेश के लिए हो रहा है ना, केवल बीजेपी के लिए, केवल अपना दल के लिए, केवल निषाद पार्टी के लिए थोड़े हो रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश के लिए निवेश हो रहा है, कितना अच्छा होता विपक्ष के साथी भी आते, अरे साहब ये उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, हम भी सहभागी बनेंगे, लेकिन विकास का एजेंडा हो तब ना, विकास का एजेंडा नहीं, और इसमें जो कार्यक्रम हुए हर व्यक्ति अभिभूत था, आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के, 17 केंद्रीय मंत्रियों ने, 5 राजदूतों ने, 4 देशों के मंत्रियों ने, और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए, और तब जाकर के लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए।
उसके लिए कार्य प्रयास प्रारंभ, उसके लिए कार्य किए गए। उत्तर प्रदेश ने कुछ दिया, सुरक्षा का माहौल दिया, उत्तर प्रदेश ने एक मैसेज दिया परसेप्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, दुनिया को बताया, वे लोग आकर के देखे और जब उन्हें लगा कि नहीं, परिवर्तन देखने को मिला है, आज जब दिख रहा है जमीनी धरातल पर सब चीजें दिखाई दे रही हैं, जिन लोगों ने पहले निवेश किया और निवेश करने के बाद फिर उन्होंने इसके मैसेज को लेकर के आगे बढ़ाया कि यूपी के बारे में अब हम लोगों की धारणा बदल चुकी है, हम आएंगे और उस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते कितना अच्छा होता। आज यूपी एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है, वाराणसी से हल्दिया के बीच वाटरवे, ये देश का पहला नंबर एक वाटरवे है जो हमें पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ता है, रेल नेटवर्क प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क यूपी के अंदर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश का इसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के पास है, जो लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जिन्हें वहां पर हम विकसित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, हाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे, ये वही बात हो गई है कि परीक्षा देने के लिए गए और भूल गए, उसके बाद जो है पढ़ा ही नहीं था, भूल क्या गए, और उसके बाद जब पास में ये सब मुझे भी याद था लेकिन मैं भूल ही गया था, तो ये आदत कुछ लोगों की है, तो लोग वही एक दिखाना चाहने का प्रयास करते हैं, अरे साहब हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, किसने रोका था, हम तो 5 साल के शासन सफलतापूर्वक चलाए, उसमें 2 साल कोरोना महामारी का सामना करते हुए भी डंके की चोट पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से यहां पर आए। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि 5 साल तक शासन चलाने के बाद बिना रुके बिना डिगे बिना झुके सरकार चली हो और फिर थंबिंग मेजोरिटी के साथ फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर के वापस आ रही हो, यह एक उदाहरण। और निवेश अपने आप में इतना भारी निवेश, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मुझे लगता है नया प्रतिपक्ष इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। महोदय, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, आज हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी जो सीमा जुड़ी है 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा उत्तराखंड दिल्ली, ये जो भी हमारी कनेक्टिविटी है 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन गया, मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ तो पहले जोड़ा ही जा रहा है, बेहतरीन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, आज देश के अंदर यूपी की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, आजमगढ़ में नेता विरोधी दल वहां से माननीय सांसद के रूप में रहे हैं, कुछ दे नहीं पाए, हम तो आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकाल दिए, वहां पे महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिए हैं और एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं, जान रहे हैं। पहले से थे तो चलाया क्यों नहीं, चलाया क्यों नहीं, वो तो जान ही रहे हम व्यक्ति। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए जो है आप बड़े अजीब से वो है ना, इसलिए महोदय हम तो वो भी काम कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी, चित्रकूट एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, सोनभद्र एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, ललितपुर के लिए एयर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है, अलीगढ़ को, मुरादाबाद को, सहारनपुर को, हमने तो मेरठ के लिए भी एनओसी मांगी है। ये सभी एयरपोर्ट जब एक बात चलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर, आप देखना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था, 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी, और आज देश के प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक था, आंशिक था, एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था, लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है, हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हां उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, यह विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, कोई पूछता नहीं था उन बेचारों को, आज तो सरकार ने उनको प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, मानदेय भी देना शुरू किया, प्रशिक्षण और मानदेय, शिक्षण और मानदेय के साथ साथ उन्हें आज जिस योजना के साथ जुड़ा है, टूल किट, बैंकों के साथ जोड़ना, बैंक के ऋण में सब्सिडी देना, ये सभी कार्य चल रहे हैं, और बड़े पैमाने पर यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों को न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि उन्हें उससे संबंधित टूल किट भी उपलब्ध करवाए हैं, और 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट उपलब्ध कराने और बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 1,37,000 से अधिक लोगों को रोजगार के साथ उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है, और प्रदेश के अंदर कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 4,88,000 से अधिक यूथ को प्रदेश के अंदर रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य, उसमें सेवायोजित करने का कार्य भी किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 17,559 इकाइयों में 1,96,000 से अधिक लोगों को वहां पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को 2,00,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने और 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी
हमारी सरकार ने किया है, जिससे किसी भी कामगार या श्रमिक जो भी है, प्रदेश में हो प्रदेश के बाहर हो, उसको हम पूरी सुविधा पूरी उसके साथ सुरक्षा की गारंटी दे सकें। प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ, और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हर स्तर पर करेंगे इस कार्यक्रम को। अब ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि इन 4 जनपदों में देंगे बाकी और 71 जनपद अंधेरे में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आज तो प्रदेश के अंदर हरेक को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न अब तक किया है, और ये प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर हम देखेंगे, दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान में 11,00,000 से अधिक दिव्यांगजनों को आज 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। महोदय, पहले पेंशन केवल 300 रुपये मिलती थी, फिर इसको हमारी सरकार ने 500 किया, और आज हम इसको 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपया सालाना हर एक दिव्यांगजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। पुष्टावस्था पेंशन 3,000 रुपये मासिक प्रदान की जा, मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, इसमें 2016-17 में 16 तक महोदय यह संख्या मात्र 17,31,000 थी, आज निराश्रित महिला पेंशन में 15,31,000 नए लाभार्थी जोड़े गए, यानी अब 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। हां, लोकतंत्र सेनानी का भी पेंशन हमने बढ़ाया है, अच्छे बढ़ाया है। अरे आप देखिए, 15,000 से 20,000 रुपये किया गया है। देखिए, आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इतना पैसा कमा चुके हैं। अरे रविदास जी, कभी अकाउंट चेक नहीं करते होंगे, कभी एक बार देखिए ना, 5,000 रुपये हमारी सरकार ने बढ़ाया था, बढ़ाया रविदास जी, सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी बेटे, रविदास जी को तनख्वाह मिल रही है, पेंशन के लोकतंत्र, लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा, लेकिन भूले भटके आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर के, थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद पे उतर आए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी, और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं को, जो असीम संभावनाओं वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस, यूथ पावर, सबसे युवा और स्किल मैन पावर हमारे पास है, और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर और जल संसाधन की जो संभावना है, इन सब को अगर देखेंगे, थोड़ा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। अभी हम बजट पे चर्चा करेंगे, इस पे बजट पे आएंगे, उधर से भी हम भी बोलेंगे इस पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि महोदय, दिसंबर 18 में प्रारंभ हुई थी, अब तक उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों के खाते में, अन्नदाता किसानों के खाते में 51,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गई है, डीबीटी के माध्यम से। यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, और मिलेट ईयर के नाम पर जो मोटा अनाज है,
बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, जौ है।